हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रास्ता मिल गया। यस बॉस। अगर दो दिन के अंदर मेरा काम नहीं हुआ तो 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा और तुम दोनों की जिंदगी का भी। सब कुछ रेडी है बॉस। हाँ बॉस, देखना कल देश के हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे, हर टीवी, हर अखबार में इसी बात का जिक्र होगा। गुड, कल काम हो जाएगा बॉस और ये आदमी हमारा मोहरा होगा। सबूत जुर्म की कमजोरी होती है और ऐसी किसी भी को करता हूं। हाँ हाँ भाई जी, हाँ बस अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूं। हाँ कल सुबह पहुंच जाऊंगा ब्यूरो। हाँ दूसरों के शहर में तो वैसे मजा आता दोस्त। हाँ हाँ, अरे नहीं तुमको बताया था ना मैंने, दोस्त की नहीं, दोस्त के पे छोटी भाई की शादी थी। हाँ आज शाम तक पहुंच जाऊंगा मुंबई, कल ब्यूरो में मिलता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंकॉक टू लंदन काइंडली प्रोसीड टुवर्ड्स द बोर्डिंग काउंटर, थैंक यू। हाँ 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 ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ये काले चश्मे वाले, हाँ किधर देखता है किधर चलता है, एयरपोर्ट पे पहली बार आया क्या रे? एक मिनट डालिंग बात करता हूँ। क्या बात होगी? अरे हो जाता है, क्या हो गया? हाँ वो तो जाता है कभी कभी। हाँ नीचे कर, लेकिन तेरे को मैं ही मिला क्या रे होने के लिए? ए, बड़ी गर्मी है ना तुझमें। अरे कौन है तू? तेरी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई क्या? निकालू क्या अभी? ए, होश में आ, जानता है मैं कौन हूँ। अरे कौन है तू? अरे तू गया काम से, चला दिया। कौन है बे तू और हम लोग के बीच में कैसे आया? निकल वरना क्या कर लेगा, मार खाएगा तू। मर जाएगा। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? चोच बंद। कौन है भाई? चला दे यहां से। आप नहीं होते तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती। वैसे आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप फाइटर हैं या फिर पुलिस में हैं? वो मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? ओह तभी आप इतने बहादुर हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम का कॉल। क्या झगड़ा किया तूने यहाँ पर? मैं 2 मिनट के लिए गया, तुम इसे संभाल नहीं पाए? ये आप इसे हथकड़ी लगाकर कहाँ लेके जा रहे हैं? और आप कौन? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इसे बैंकॉक से इंडिया लाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंकॉक टू मुंबई प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स बोर्डिंग काउंटर। बोर्डिंग का कॉल आ गया है। चाहते हैं कि एक बार फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद वो फ्लाइट में उपलब्ध फ्री वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
आपकी सीट है। और आपकी सीट? जी आपके बगल वाली सीट मेरी सीट है। ओ। अच्छा कि आप मेरी बगल वाली सीट पर बैठे। वैसे सीआईडी की वजह से आम आदमी काफी सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। वैसे आप करती क्या? जी मैं डिजाइनर हूँ। नमस्कार, मैं कैप्टन राघव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ ही मिनटों में हम उड़ान भरेंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और क्रू मेंबर्स उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। आप सो गए क्या? नहीं तो। वैसे आप हमेशा ऐसे ही खामोश रहते हैं तो? नहीं, खामोश क्या हूँ, आपसे बात तो कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अब आपको थोड़ी देर के लिए खामोश होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए जुदा होने वाली हूँ। अब ये उड़ती हुई प्लेन में आप कहाँ जाने वाली है? मुझे वॉशरूम जाना है। जानता हूँ तुम कौन हो। अगर तुम प्लेन में बैठे लोगों की सेफ्टी चाहते हो तो सीट नंबर 32 पे आके मिलो, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ खास रखा हुआ है। अब ये कौन है? ये कैसा मैसेज है? भाई साहब कंबल और क्यों सोया? इतने ठंड तो है नहीं यहाँ। बैठ जाओ। ये है कौन जो मुझे देख रहा है? सिर बुलाओ मत सरा, देखो क्या हुआ सर को। भाई साहब नो, क्या अभी तो मर चुका है? क्या किया तुमने साथ में के साथ? तो तुमने मेरा काम नहीं किया तो हर 20 मिनट में प्लेन का एक आदमी मारा जाएगा। अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो कांटेक्ट करो अपनी टीम को और बोलो कि हमारे काम के लिए कोई एक सीआईडी इंस्पेक्टर जल्दी से जल्दी विजयनगर के बसेरा रोड नंबर 2 पे जाए। आगे क्या करना मैं बताऊंगा उसे। याद रखना, अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो प्लेन में सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। मैं
मैं जिस प्लेन पे हूँ उसमें कोई मुजरिम भी सवार है और उस मुजरिम को पता है कि मैं एक CID ऑफिसर हूँ और उसके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। उसने मुझे एक मैसेज भेजा है कि CID का कोई ऑफिसर और उसका काम करने के लिए जल्द से जल्द विजयनगर के बसरा रोड पे जाए और आगे की बात वो उस ऑफिसर को वहाँ पहुँचने पर समझाएगा। और उसने धमकी दी है कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो इस प्लेन पे सवार एक पैसेंजर को हर 20 मिनट के बाद मार देगा। इस प्लेन पे करीब 150 पैसेंजर्स हैं और उसने एक पैसेंजर को मार भी दिया है। अब कह नहीं सकते कि ये खूनी क्या क्या कर सकता है और हमें ये भी नहीं मालूम कि इन इतने लोगों में से वो खूनी कौन है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस खूनी को ढूंढने के लिए। 150 लोगों की जान खतरे में है। सर, उस प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स का बैकग्राउंड क्रॉस चेक कर सकते हैं ना? शायद कोई पुराना अपराधी सवार हो उस प्लेन में। ठीक है फ्रेडी, लेकिन टाइम बहुत कम है। हर 20 मिनट में एक आदमी की जान लेने वाला है। सर, हमारे पास रास्ता क्या है? उसकी बात मानने का। मैं विजयनगर जा रहा हूँ। कम से कम उसे लगेगा उसकी बात मानी जा रही है तो शायद वो खून करना बंद कर दे। सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? बस मुझ पर नजर रखना। सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, ठीक हूँ। क्यों? नहीं, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दस मिनट और बचे हैं। वो किसी और को भी मार सकता है। क्या करूं मैं? अगर इन लोगों को बताता हूँ तो सबके सब परेशान हो जाएंगे। ये अटेंडेंट तो पीछे की तरफ जा रही है, कहीं ये लाश को देख ना ले। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं भी आता हूँ। आप फ्लाइट अटेंडेंट को कह के कोई मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। क्या? इस प्लेन में कोई खूनी है जो CID को ब्लैकमेल करके खून कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पैसेंजर को पता चलेगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमें पायलट को तो बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मगर किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, पहले ये बताओ कि इस लाश को कहाँ छुपाएं? छुपाना है? जल्दी से बताओ। सोचना पड़ेगा। जल्दी करो। लेकिन मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओगी तो पैसेंजर को कंट्रोल कौन करेगा? अच्छा ये बताओ कि इस प्लेन में जितने पैसेंजर्स बैठे हैं उन पे नजर कहाँ से रख सकते हैं? मैं सबको देखना चाहता हूँ। हाँ, आइए मेरे साथ। चलिए। ये CCTV कैमरा। ठीक है, तुम स्क्रीन पे नजर रखो। तब तक मैं उससे थोड़ी और देर की मोहलत मांगता हूँ। 20 मिनट नहीं, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, जल्द से जल्द मेरा काम करवाओ। ये जितने लोग ये अभी फोन पे लगे हुए हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। इनके नाम बताओ तो चेक करो। सीट नंबर 4C, दीपक, 3A, किशन, और वो विपिन, आशीष और केतन।
आशीष और कीर्तन, उनके नाम और पैसेंजर लिस्ट से इनकी कुंडली निकलवाता हूँ। कुंडली? हाँ कुंडली, नहीं तुम नहीं समझोगी। अच्छा इस फ्लाइट में ऐसा कोई है जिस पे तुम विश्वास कर सकती हो? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड विशाल, वो इसी फ्लाइट में अटेंडेंट है। गुड, उसे यहाँ बुलवा के बिठा और इन सब पे नजर रखने वाला हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। चाहते क्या हो तुम? है बहुत आसान सा काम है, वेरी सिंपल। कार के जीपीएस पे डायरेक्शंस दिए हुए, तुम्हें बस एक खास जगह तक ही कार को ले जाना है। अच्छा तो ये कार चलाने के लिए तुम्हें एक सीआईडी ऑफिसर की जरूरत थी है? नहीं 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 इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी ऑफिसर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बहुत ही जल्द तुम शहर से बाहर निकलने वाले रोड के एक चेक पॉइंट पे पहुंचोगे। याद रखना उस चेक पॉइंट पे ये कार चेक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? क्या? हाँ, और तुम जैसे सीआईडी के एक सीनियर ऑफिसर के लिए ये बहुत ही आसान सा काम है। कार में है क्या? हाँ? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, समझ गए? बस उतना ही करो जितना कहा जाए, और हाँ जल्दी करो क्योंकि ऊपर काफी सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे ऊपर टिकी है। ठीक है ठीक है। तुम विशाल हो? जी सर। कुछ सस्पिशियस दिखा? अभी तक तो नहीं सर। अब बाथरूम जाने, प्लेन से उतरने के बाद जाना। अरे लेकिन फ्लाइट से उतरने में कई घंटे लगेंगे, तब तक मैं बैठ नहीं सकता, बहुत जोर से आई है। चल चलता हूँ तेरे से। पहले खोल तो सही। बाथरूम के दरवाजे पे चल। ये कुछ गड़बड़ करेगा, जरा नजर रखना। जी सर। पकड़े तो खोलो। जल्दी कर। अरे क्या हो रहा है ये यहाँ पे?
अरे क्या हो रहा है ये? अरे हटो, अरे आप क्या कर रहे हो? हटो, क्या हो रहा है भाई साहब? कुछ नहीं, आप सीट पे बैठिए, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। जाइए जाइए भाई, चलो 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 बैठो, कुछ नहीं हो रहा, चलो चलो। इसको क्या बात कर रहा? मैंने क्या किया? मैं तो तुझे बचाने आया था। अरे ओह नो, ठीक 20 मिनट हुए हैं, शायद जहर दिया इसको भी। अरे क्या हुआ इनको? क्या हो गया? ओह माय गॉड, क्या हुआ? धीरे से बोल, धीरे से। ये इस प्लेन में खूनी है जो हर 20 मिनट में किसी एक का खून करता है। ओके तो ये दूसरा विक्टिम है। आराम से, अब जितने लोग ये बात जान गए हैं, ये बात अपने तक ही रखना, किसी और को नहीं बताना प्लीज। अब सबसे पहले इन दोनों लाशों को छुपाना होगा। कहाँ छुपा सकते हैं लाशों को? क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं, इनकी तबीयत खराब है। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनको हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर इसे ही चोट लग गई। कुछ नहीं, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, इसे पीछे लेटा देते पैकेज रूम में, चलो। लेकिन आप है कौन और यहाँ पे बार बार घूम क्यों रहे हैं? बस थोड़ी देर में से होश आ जाएगा इसलिए पीछे ले जा रहे हैं। पर आप है कौन? वो चलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बिना जवाब दिए जा रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी सर। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? सर खबर मिली है ड्रग्स की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट इसी रास्ते से शहर के बाहर जा रही है और इसीलिए शहर के हर रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी है। अच्छा, मैं अपनी डिक्की खोल दूँ क्या? सर हमें ऊपर से आदेश है कि किसी भी गाड़ी को चेक किए बिना बाहर नहीं जाने दें। सर दो मिनट, मैं सर आपकी इजाजत हो तो डिक्की देख लूँ। देख। थैंक यू सर। अच्छा चल, मैं बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते सर। सर आप? अरे बंद कर डिक्की सर, चाहिए। अरे खोलो। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, खूनी किसी तीसरे को न मारते हैं और इनमें से वो खूनी कौन है पता नहीं चल रहा। नहीं तो किसी और को मरने दे सकता है। सर सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, विशाल जरा स्क्रीन पे नजर रखना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है, मैं पायलट से मिल के आता हूँ। जाइए सर, मैं भी सारे पैसेंजर्स पर नजर रखता हूँ। थैंक यू रितेश, थैंक यू सो मच। ये माई ड्यूटी सर, हम इस खूनी को किसी की जान से खेलने का मौका नहीं दे सकते। चलो हाँ सर बोलिए। सर हमें ऑर्डर्स आए हैं कि इस प्लेन को डाइवर्ट करके इमीडिएटली लैंड करना होगा। अथॉरिटीज को इसके लगे बारे में जान के बहुत परेशानी हो रही है। आई डोंट नो सर, इसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा?
हाँ ये बात तो है, पर इस प्लेन में जितने पैसेंजर्स हैं मुझे उनकी जान की फिक्र हो रही है। अगर इस खूनी को पता चला कि हम लोग इस प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले, तो हो सकता है वो हमला तेज कर दे पैसेंजर्स पे। सर लेकिन हमें ज़मीन के लोगों का भी तो सोचना पड़ेगा। अगर खूनी का प्लान हुआ कि इस प्लेन को हाईजैक करके किसी इंपॉर्टेंट जगह पे क्रैश किया तो इट विल बी हैवॉक सर। मैथ व्हाट हैपेंड सर? क्या हो गया सर? ये लो पानी, पानी पी, पानी पी। मैथ ओह नो, तो मर गया। व्हाट? तीन पीस में ट्रेसर भी मार दिया। ये देखो, इसे भी ठीक वैसे ही मारे हैं जैसे पहले दो लोगों को मारा था इंजेक्ट करके। जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पता नहीं उसका अगला शिकार कौन है। जाओ इंस्पेक्टर अभिजीत, जो काम हम वर्षों से नहीं कर पाए तुमने घंटों में कर दिखाया। तुम लोग को क्या लगता है ये गैर कानूनी काम करके तुम लोग बच जाओगे? लगता है तुम भूल गए कि प्लेन में उड़ रहे लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में है। आज इंस्पेक्टर अभिजीत कितना बेचारा दिख रहा है। चाहे तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दे अभी। अपनी खोपड़ी की फिक्र कर, मैं इस पे कफन बांध के चलता हूं। चलो निकलो तुम लोग, इससे पहले मेरी खोपड़ी फिर जाए और तुम लोगों की लाशें यहां बिछ जाएं। निकलो यहां से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। निकलो चल। सफेद रंग की कार है, नजर रखना उस पर। सर जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। वो खूनी हमें कभी भी फोर्स कर सकता है प्लेन को क्रैश करने के लिए। लेकिन सर अगर खूनी ने प्लेन क्रैश करवा दिया तो वो भी तो हमारे साथ साथ मर जाएगा ना। निकी शायद वो आत्मघाती मुजरिम या सुसाइड बॉम्बर, उसको अपनी जान की परवाह ना हो। सकता है, हो सकता है उसने पहले से सोच लिया हो मरने का। ठीक है सर, आप इस प्लेन को नीचे ले लीजिए। ओके थैंक यू। सर क्या कहा पायलट से? पायलट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाना चाहता है और वो को पायलट मिथ वो भी मारा गया। ओह माय गॉड, तीन लोगों की मौत हो गई। प्लीज आप संभालिए अपने आप को, इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए पैसेंजर्स को। लेकिन सर पैसेंजर्स को शक हो गया कि कुछ ना कुछ बात तो है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? सारे पैसेंजर्स का सामान चेक करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर पैसेंजर इसके लिए नहीं माने तो? उनको मनाना पड़ेगा। चलो प्लीज दोस्तों, मैं आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुन के घबराना नहीं प्लीज, पर इस प्लेन में खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बीच में प्लेन में कुछ अनबैलेंस हुआ था, क्या वही खतरा है? हाँ अब यूँ समझ लीजिए कि वो अनबैलेंस उस खतरे की वजह से ही हुआ था, इसीलिए प्लीज हम आप सबकी तलाशी लेना चाहते हैं। अरे ये क्या बात हुई, हम तो नहीं है ना वो खतरा। अब मैंने ये थोड़ी कहा कि वो खतरा आप है, पर वो खतरा हमारे बीच में है, हम में से कोई एक है, उस खतरे को सामने लाने के लिए आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्लीज जल्दी व्हाइट फोन और सामान दिखाइए हमें प्लीज। अरे हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारे सामान में हमारी पर्सनल चीजें भी हैं, हम किसी को अपना सामान क्यों दिखाएं?
अरे भाई, अपनी अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाओ और ये बकवास बातें करना बंद कर दो। देखिए भाई साहब, छोड़ो, देविका, रितेश, निकी, सबकी तलाशी लो जल्दी। देखते हैं हम लोग भी हमारी इजाजत के बिना हमारा सामान कैसे चेक करते हैं। अरे भाइयों, ये सिर्फ चार हैं और हम सब मिलकर इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। और मुझे तो ये शक्ल से लुटेरे लगते हैं। लुटेरा नहीं हूँ मैं, सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर दया है और मैं आप लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। यह हमारे बीच एक खूनी है जिसने तीन तीन खून कर लिए और मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई और उसका अगला शिकार बने। आप मुझ पर भरोसा रखिए और प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सब अपना अपना मोबाइल फोन दीजिए हमें, प्लीज जल्दी ले लो सबके फोन। गाड़ी में हमें जो ट्रैकर लगाया था वो गुंडों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत शातिर बदमाश है। कोई बात नहीं, गाड़ी के बारे में पता है ना? जहां से सिग्नल गया उसके आसपास जितनी भी रोड है सब जगह अपने आदमी लगा दो, निकलने नहीं चाहिए वो लोग। सर चल। इनमें से कोई वो फोन नहीं है जिससे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। देविका, रितेश, विशाल और निकी और बाकी के एम्प्लॉयज, सब लोग अपना फोन मुझे दो। आपको मुझ पर शक है? क्यों, आप सब लोगों में नहीं आती? लेकिन आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया होगा? देखिए, मेरी जांच पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फोन प्लीज। हो गई तसल्ली। आप सब लोग अपना फोन क्यों नहीं दे रहे? निकी, विशाल, अपने फोन चेक कराइए प्लीज। और रितेश जी, आप भी अपना फोन दीजिए मुझे। सर, आपको मेरा फोन चेक करने की जरूरत है? जी, आई एम एन ऑफिसर सर। रितेश जी, आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस वाले हर किसी पे शक करते हैं। प्लीज कोऑपरेट। आई अंडरस्टैंड सर। इसका मतलब ये हुआ कि खूनी के पास दो फोन है और उसने उसे कहीं छुपा के रखा है। उस टाइम में पता है काम हो गया, दूसरे काम को अंजाम दो। देविका कर रही है खून। वैसे मुझे वॉशरूम जाना है। खूनी मेरे साथ घूम रही है और मैं खूनी को ढूंढ रहा हूं।
आप सब ने जो मेहनत की है मेरे साथ वो मेहनत सफल हो गई है। थैंक यू। आपको खूनी का पता चल गया? हाँ। कौन है वो? तुम। मैं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है, ये सच है। देखिए, मैं आपके इतना करीब आ गई थी, इसका आप गलत मतलब निकाल रहे हैं सर। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगी और मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगा? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और आपका ये दूसरा फोन मुझे आपके बैग में से मिला जो आपने अपने सीट पे रखा है। सर, बैग मेरा जरूर हो सकता है लेकिन ये फोन मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कैसे आया। मुझे जरूर कोई फंसा रहा है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगा? देखिए, इन पर नजर रखो, मैं भी आता हूं। सुनिए, अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमने खूनी को पकड़ लिया। चलो, well, I tell you. सर, वैसे खूनी है कौन? वो भी बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा, वो हमारे बीच ही। अब तो हमारे मोबाइल आप वापस कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल विशाल, फोन लड़ा दो सबको। कौन सा फोन है आपका? जी ये वाला, थैंक यू। कौन सा? सर ये फोन किसका है? सर ये मैंने प्लेन में वीडियो बनाया। देखिए आप भी हैं इसमें। अब मैं इसे सोशल नेटवर्किंग साइट में अपलोड करूंगा। यह वीडियो तो बहुत अच्छा है पर इसे आप पोस्ट ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, अगर आप कहते तो नहीं अपलोड करूंगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट देख लो। सच बोल रही थी, किसी ने उसे फंसाया है, किसी ने उसके बैग में ये फोन रख दिया। ये वॉच, ओ तो ये है आज दिन का साफ। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा फोन थोड़ी देर में लौटाता। अरे ये क्या कर रहे? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। सर छोड़ दीजिए इसे। सर ये क्या क्या हुआ? सर क्या हुआ? कानून की बात करता है, गैर कानूनी काम करता है। हाँ, तूने जानबूझ के अपना फोन देविका के बैग में डाला और उसे फंसाने की कोशिश की, क्यों? ये इल्जाम है मुझ पे सर। क्या 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 सबूत है आपके पास? ये घड़ी, तुम्हारी ये घड़ी उस वीडियो में दिखी है जो उस लड़के ने बनाई है, जब तुम अपने हाथों से देविका के बैग में अपना फोन डाल रहे थे। पुलिस वाला बनकर तुम इस प्लेन में घुसे, मेरे हाथों गैर कानूनी काम करवा रहे थे। हा? कोई पुलिस वाला नहीं, और ये अच्छा हुआ कि आपको पता चल गया, लेकिन बड़ी देर में पता चला क्योंकि मेरा काम तो हो गया। मेरा ड्रग का कंसाइनमेंट कब का निकल चुका है। अब तुम सब लोग यहां मरोगे क्योंकि मैंने प्लेन में जहरीली गैस छोड़ दी है। अगले 15 मिनट में तुम सब का खेल तमाम। झूठ बोल रहा है तू, तो इस प्लेन में जहरीली गैस ला ही नहीं सकता। पकड़ा जाता तो चेकिंग एरिया में। अच्छा। मैं ये जहरीली गैस ड्यूटी फ्री एरिया से लेकर आया हूँ, जहां पर मेरा एक आदमी इस गैस को परफ्यूम की बोतल में छिपा के लाया था। विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, थोड़ा समय रुक जाओ, अपने आप विश्वास हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भी मारा जाएगा, ना याद रख। ना, इस गलत फहमी में मत रहना सर, मैंने इस गैस का एंटीडोट लिया है। तुम सब लोग मरोगे, वो देखो। ऐसी जगह दिखाता हूं जहां पे तुम बेमौत मारा जाएगा।
चल अंदर, अंदर। तेरा एंटीडोट तुझे यहाँ पे काम आया। खोलिए दरवाजा, खोलिए। ये धुआं कैसे? चलो यार। ये क्या है? ठीक है, तुम ठीक हो? ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन मास्क का इंतजाम करो, जल्दी। ऑक्सीजन मैन फेल, जल्दी। पैसेंजर का ख्याल रखना, मैं भी आता, मैं कॉफी भी जाकर आता हूँ। अच्छी अच्छी प्लीज। आपने ये प्लेन अभी तक लैंड क्यों नहीं करा है? वहां पे अभी पैसेंजर्स मरने की कगार पे है। सर, लगता है मुझे कुछ हो रहा है। कुछ हो गया? मैं लैंड करने की हालत में नहीं हूँ सर। मुझे उनका पता चल गया है। उसने इस प्लेन में एक जहरीली गैस छोड़ दी है। आप सर क्या कर रहे हैं? आप सर होश में ही? अब आपको आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सर। कैसी मदद? आपको पायलट की जगह दे दीजिए सर। मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली है, मगर ये कमर्शियल प्लेन उड़ाना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सोना नहीं, प्लीज आके खुली रखिए। मैं करता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ प्लीज, यहाँ देखिए, आके बंद मत करना प्लीज। क्या करना, क्या मुझे आप बताइए, मैं वही करता हूँ। लेवल पैड जितना खींच सकते हो उतना खींचिए। हाँ लेवल सही आएगा तो आप प्लीज बटन दबा दीजिए सर। आप क्या कर रहे हैं? अब आप इस बटन को दबा दीजिए। ये ओके। आप क्या कर रहे हैं सर? गुड, सही चला रहे हैं आप। उठे सर। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं कुछ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग हैं प्लेन में। हेलो एटीसी। हाँ शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं एटीसी कंट्रोल से बोल रहा हूँ। ठीक कैसे हो जाएगा? ये पायलट बेहोश हो गया है और को पायलट मर चुका है। कुछ करिए प्लीज जल्दी। ओके सर, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाइए। पहले देखिए ऑटो पायलट ऑन है या नहीं। ऑटो पायलट? हाँ सर ऑन है। ओके गुड, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड को 120 नॉट कम कर दीजिए। देखिए सर, आपके लेफ्ट में एक लीवर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसको नीचे खींचिए और फ्लैप को 3 पर कर दीजिए। हाँ सर हो गया। अब इसे स्टडी रखिए। हाँ अब ऑटो पायलट प्लेन को खुद ठीक से रनवे तक लेके आ जाएगा और सीध में कर लेगा। ओके सर ओके।
दिस इज एन इमरजेंसी, आप ताबड़तोब मदद भेजिए। हाँ, कनेक्ट एवेज 740 बोइंग बैंकॉक से आया। हाँ, उस काफी कैजुअलिटीज हैं और बहुत सारे लोग बेहोश हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके मदद भेजिए। हाँ प्लीज। ओके, फ्लाइट नंबर 740 जो बैंकॉक से मुंबई आ रही थी, उस अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने प्लेन में कुछ लोगों का खून कर दिया और उसे हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से इस प्लेन में सीआईडी इंस्पेक्टर दया भी थे, जिन्होंने इस अपराधी को नियंत्रण में लेकर उसके खतरनाक मनसूबों को विफल कर दिया। इतना ही नहीं, विमान के पायलट के बेहोश हो जाने के बाद भी इस जाबाज इंस्पेक्टर ने प्लेन का नियंत्रण हवा में अपने हाथों में लिया और प्लेन को सुरक्षित लैंड कराकर सैकड़ों लोगों की जानें भी बचा ली। जॉब दिया, बहुत बढ़िया। अरे यार, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, और ऊपर वाले ने भी साथ दिया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है। तुम्हें यह सुनकर और भी अच्छा लगेगा कि रितेश को मुंबई लाके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, और उसके फोन से जितने भी कॉन्टेक्ट मिले ना, सारा गैंग पकड़ लिया गया ड्रग्स के साथ। आखिर जीत हो गई हमारी। यहाँ तुम्हारी कोशिश बेकार कैसी जाती, जीतना तो था ही हमें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.